हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो ये हमारा एक 2 BHK का फ्लैट हमने कंप्लीट किया है जो कि एसोटेक हिल्स के अंदर है। तो चलिए मैं इसका कंप्लीट व्यू आपको दिखलाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा ये लिविंग रूम एरिया है जहाँ पे आप इसका कंप्लीट बैक देख सकते हैं जो कि हमने एक रॉयल थीम के अंदर इसे डिजाइन किया है, जिसमें हमने कॉर्निस से यूज किया है और बोथ दी साइड्स हमने सिमेट्री मेंटेन करते हुए वॉल लैंप्स यूज किए हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे सोफा देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे बनवाया है। ये एक एल शेप सोफा है विच इज अ सोफा कम बेड। आप इसको एक्सटेंड करके एज अ बेड भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये 2 BHK फ्लैट है। तो यहाँ पे जब भी अगर गेस्ट एडिशनल आते हैं तो ये सोफा उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। उसी के साथ साथ इस सोफे में एक काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन भी एडेड किया हुआ है, जैसे कि ये आर्मरेस्ट। तो ये आर्मरेस्ट आपका फोल्डेबल आर्मरेस्ट है जो कि एंट्रेंस के ठीक बगल में है। जब भी अगर इसे यूज करना है तो इसे ऊपर कर सकते हैं और फोल्डिंग होने की वजह से इसे हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टीवी यूनिट है जो कि आपके एंट्रेंस के ठीक सामने की तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टीवी यूनिट है ये काफी हमने स्मार्टली प्लान आउट किया है, क्योंकि जो यहाँ पे डोर था ये हमारा डोर एक सिंगल डोर हुआ करता था, जिसे हमने चेंज करके इसे डबल डोर में कन्वर्ट किया, जिससे कि जब हम लोग खोलते हैं तो ये जो उसका एरिया है ये हाफ ऑफ द एरिया कवर करता है, जिसके वजह से जो हमारा टीवी पैनल का एरिया है वो बढ़ गया। टीवी पैनल में आप देख सकते हैं कि हमने टॉप में शेल्फ दिया है जिससे लाइटिंग आती है और बॉटम में भी हमने कुछ क्लोज यूनिट्स एंड ओपन यूनिट्स दिए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ जो लूवर पैटर्न है उसका हमने यूज किया है। बैक में हमने कंप्लीट एक पैनल दिया है विच इज इन अ वाइट फिनिश और उसके साथ एक टॉल यूनिट हमने दिया है फॉर द ओपन स्टोरेजेस। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक पार्टीशन दिया है जो कि सोफा के ठीक बगल में है। तो ये आप पार्टीशन देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ ओपन एरियाज दिए हैं। उसी के साथ साथ हमने जाली पार्टीशन भी यहाँ पे दिया है, जिसके वजह से जो आपका लिविंग एरिया है प्लस इसके आगे का जो पूजा एरिया है वो हमारा सेपरेट होता है। इसी के साथ इस हॉल में आप देखिएगा कि एक तरफ हमारा पूजा यूनिट है और राइट साइड में हमारा किचन एरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार किचन एरिया दिखला देता हूँ। किचन में इंटर करते ही सबसे पहला इंटरेस्टिंग फॉर्म जो हमने यूज किया है वो ये ब्रेकफास्ट काउंटर हमने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैसेज था ये काफी कम था और क्लाइंट को काफी ज्यादा मन था एक ब्रेकफास्ट काउंटर देने का। उसी के लिए हमने यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट काउंटर है उसको फोल्डेबल ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर भी ऐड हो जाता है और इसको फोल्ड करने के बाद ये ब्रेकफास्ट काउंटर हमारा कम्प्लीटली फोल्ड भी हो जाता है। उसी के साथ आप जब ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे एक हमने पेंडेंट लाइट दिया है विच इज इन अ बर्ड शेप, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है ये पेंडेंट लाइट। यहाँ पे किचन हमारा एल शेप किचन है जो कि 6x6 के साइज में है, 6 फीट बाई 6 फीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट किचन को हमने काफी ब्यूटीफुली इसे डिजाइन किया है और जो फिनिश है वो भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हमने एक्रेलिक फिनिश के अंदर किचन को कंप्लीट किया है। आप इसमें काफी सारे यूनिट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये ग्लास शटर यूनिट्स हो गए, यहाँ पे कुछ हमारे लिफ्टअप यूनिट्स हो गए, उसी के साथ यहाँ पे भी हमारे लिफ्टअप यूनिट्स हो गए। तो इस तरह से काफी सारे यूनिट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। टॉप में भी हमने लॉफ्ट एरिया यहाँ पे यूज किया है एंड विद दी हैंडल्स आप देख सकते हैं कि सारा हमारा ब्लैक क्रोम फिनिश के अंदर है और जो चिमनी है वो भी हमारा यहाँ पे फिटेड है और बॉटम में हर एक जगह पे हमने यहाँ पे कोव लाइटिंग प्रोवाइड किया है। उसी के साथ साथ टॉप में भी हमारा स्टोरेज है जहाँ पे आप ये फ्लूटेड ग्लास देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और जो स्पेस सेविंग फर्नीचर है वो हमारा यहाँ पे हिडन स्पेस सेविंग है जो आप ये देख सकते हैं। तो ये काफी छोटे से पोर्शन को हमने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि यहाँ पे एक टॉल यूनिट लगाने का स्पेस नहीं था, तो हमने इस एरिया को एज अ हिडन स्टोरेज यहाँ पे इसे बनाया है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आपको लग रहा होगा। इसी के साथ हॉल के ठीक सामने हमारा पूजा यूनिट है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूजा यूनिट है, सामने की तरफ विंडो था तो हमने यहाँ पे रोलिंग ब्लाइंडर दिया है और इस ब्लाइंडर को अगर मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ हमारा यहाँ पे विंडो था। आप कंप्लीटली पूजा यूनिट का एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे बैठ के पूजा करने के लिए स्पेस हमने डिजाइन किया है और जो बैक है उसमें हमने ये सारे कार्विंग्स बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा आपको एस्थेटिक लग रहा होगा। उसी के साथ साथ वॉल को प्लेन ना करते हुए हमने यहाँ पे भी डिजाइन पैटर्न दिया है। ये एक राफ्टर पैटर्न के अंदर हमने बनाया है जिसमें काफी सारे लाइट्स हमने लगाए हैं और देखने में ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसी के साथ एक पोर्शन एक बड़े फोटो फ्रेम के लिए भी हमने डेडिकेट किया है और हर एक स्पेस को यहाँ पे यूज करते हुए हमने टॉप में भी लॉफ्ट एरिया दिया है।
कमिंग टू द टॉप, यहाँ पे जो फॉल सीलिंग हमने यूज किया है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग बनाया है, जिसमें हमने सीओवी लाइट्स एंड पैनल लाइट्स एंड कोव लाइट्स का यूज किया है, जिसके वजह से जो कंप्लीट एस्थेटिकल लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको लग रहा होगा। और एक शैंडलियर भी हमने यहाँ सेंटर पे दिया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉर द फॉल सीलिंग एरिया। नेक्स्ट हमारा ये मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैक है बेड का वो हमने रिच रॉयल थीम के अंदर इसे डिजाइन किया है, जहाँ पे आप ये कॉर्नर्स का डिजाइन देख सकते हैं एंड बोथ दी साइड्स हमने वॉल लैंप्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से ये काफी रिच एंड रॉयल थीम के अंदर ये लुक आ रहा है। उसी के साथ अगर आप इसका वार्डरोब देखिएगा तो ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है विच इज इन अ टिंटेड ग्लास फिनिश, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंप्लीट स्लाइडर है ये काफी ज्यादा एस्थेटिक आपको लग रहा होगा और जो अंदर का सामान है वो भी काफी ज्यादा अच्छा आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप बेड देखिएगा तो बेड जो हमने बनाया है ये कंप्लीट हमने कॉर्नर बनाया है सो दैट की जो स्पेस है वो हमारा ज्यादा यूटिलाइज हो, और जो बॉटम है उस पर भी हमने फैब्रिक यूज किया है विच इज सेफ फॉर द यूजर्स, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं जैसा कि यहाँ पे स्पेस की कमी है तो क्योंकि हमने इसे कर्व किया 45 डिग्री पे तो हमारा पैर रखने के लिए ज्यादा स्पेस यहाँ पे बनता है ज्यादा देन अगर इसे हम 90 डिग्री पे करते हैं, और जो फैब्रिक यूज किया हमने उसके वजह से भी ये काफी ज्यादा सेफ हो जाता है यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ड्रेसर एरिया भी बनाया है जो कि थीम को मेंटेन करते हुए हमने कर्व स्ट्रक्चर दिया है एंड दिस इज ऑल्सो अ टच सेंसर्ड मिरर जो कि हमने यहाँ पे दिया है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक मॉस्किटो नेट भी दिया है जो कि आप देख सकते हैं देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये, और काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है और काफी आपका यूजर फ्रेंडली है ये सारा। इसी के साथ अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे फॉल सीलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सीओवी लाइट एंड पैनल लाइट का यूज किया है और हर एक कॉर्नर पे हमने स्ट्रिप लाइटिंग का यूज किया है, जिसकी वजह से जो फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और काफी सिंपल एलिगेंट भी लग रहा है। नेक्स्ट हमारा ये एक और बेडरूम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा विंडो था जिसके सामने हमने यहाँ पे विंडो सीटिंग बनाया, उसी के साथ साथ हमने ये एक पुल आउट टेबल बनाया है जो कि ये निकाल के अपना टेबल एज अ टेबल इसे यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ नीचे हमने ड्रॉर्स भी दिए हैं तो स्पेस का आप यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, और जो वार्डरोब है उसको हमने ऑन द ईदर साइड ऑफ द विंडो हमने प्लेस किया है जो कि सेंसर्ड है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे लाइट ऑन होगा और क्लोज करूंगा तो लाइट ऑफ होगा, तो इस तरीके से बोथ दी साइड हमने स्टोरेज का प्रोविजन दिया, और जो टॉप है वहां पे भी हमने लॉफ्ट एरिया दिया है जिससे जो स्पेस है वो काफी ज्यादा यूटिलाइज होता है, और जैसे ही आप देखोगे कि जो भी पार्टीशंस है वो सारा हमने काफी स्मार्टली यहाँ पे यूज किया है। वार्डरोब का इंटरनल कंपार्टमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हो, इस पे जो लाइटिंग है वो सेंसर्ड है, यहाँ पे जो ड्रॉर्स है वो भी काफी प्रीमियम हमने ग्लास फिनिश के साथ इसे बनाया है, यहाँ पे भी कुछ हमने जो पैंट है उसका पुल आउट हमने यहाँ पे बनाया है, ये सारे काफी सारे ऐसे एसेसरीज है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। आपको कंप्लीट ये वार्डरोब दिख रहा होगा काफी प्रीमियम फिनिश के अंदर लग रहा होगा, और जो इसका डोर है वो हमने एल्यूमिनियम प्रोफाइल विद ग्लास से बनाया है। इसी के साथ एक और जो वार्डरोब है उसका भी इंटरनल कंपार्टमेंट मैं आपको दिखलाता हूँ, तो यहाँ इस वार्डरोब का अगर इंटरनल कंपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो ये भी अगेन हमारा सेंसर्ड लाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉर्स है वो काफी प्रीमियम आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो ग्लास है वो यूज किया है, और ट्रिपल ड्रॉअर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन अ डिफरेंट हाइट, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट यूज किया है विद सम हिडन स्टोरेजेस एज वेल। टॉप पे हमने यहाँ पे जो लॉफ्ट यूज किया है ये भी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके एडिशनल सामान रखने के लिए। अगर मैं बेड बैग की बात करूं तो यहाँ पे आप कंप्लीट बेड बैग देख सकते हैं जो कि हमने कुशनिंग वर्क के साथ किया है, पीछे आप वॉलपेपर देख सकते हैं जो कि कलर थीम के साथ ही मैचिंग वॉलपेपर हमने यहाँ पे ऐड किया है, कॉर्नर पे आप लाइटिंग देख सकते हैं किस तरीके से हमने लाइटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो भी आप देख सकते हो काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो हमने फॉल सीलिंग में लाइट यूज किया दिस इज अ पैनल लाइट, बट जो हमने राइट साइड में यूज किया है दिस इज अ सीओवी लाइट, तो इससे आपको दिख रहा होगा कि कैसा आपको ये कंप्लीट रूम दिख रहा है, और इसका जो लुक है वो भी आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। दिस इज जस्ट 90 स्क्वायर फीट रूम, तो आपको इसका ओवरऑल लुक दिख रहा होगा कि ये कैसा है। तो आई होप सो गाइज आपको ये कंप्लीट इंटीरियर काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप भी इस तरीके का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.sahufoundation.com या नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट 3D डिजाइनिंग की टीम आपके घर को 3D में डिजाइन करेगी, और उसी के साथ साथ हमारी एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन की टीम उस 3D डिजाइन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा हमारे ऑफिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।